पर बैठे हुए भारत सरकार के मंत्री जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी, कराड़ ब्रदर्स मंच पर बैठे हुए अन्य अतिथिगण, उपस्थित गेस्ट, नौजवान साथियों, मैं अभी सिसोदिया जी का भाषण सुन रहा था और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि गवर्नेंस के एक एस्पेक्ट को उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो टॉपिक हमें दिया उस टॉपिक में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गरीबी को हटाना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की लिमिटेशन को समझने की जरूरत है। इस देश में हमने जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की 1952 से लगाकर आज तक, जो कुछ भी हमारे अचीवमेंट हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, ये सब इसलिए संभव हो सका कि हमारे देश के नेतृत्व करने वाले लोगों का फार साइडेडनेस था, उनकी दूरदृष्टि थी। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें कौन से काम करने, कौन सी नीतियां बनानी और नीतियों बनाकर आगे बढ़ाने का काम करना है। और इसीलिए आज दुनिया में हम ताकतवर बनकर उभर रहे हैं या दुनिया के डेवलप कंट्रियों के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं, तो इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे नेतृत्व करने वाले लोगों की दूरदृष्टि थी। एक वैज्ञानिक नीति बनाई, एक आर्थिक नीति की सोचना की और इस तरह का सोच लिया जिसके कारण आज हम दुनिया में ताकतवर बनकर आगे बढ़ेंगे। दुनिया में जब आईटी की क्रांति हुई, तभी आईटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी हिंदुस्तान का, यदि उसे अवसर नहीं मिलता तो आज सूचना की क्रांति में दुनिया में जो स्थान हमने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हमारे नेताओं ने यहाँ पर आईआईटी की कल्पना की थी और उसमें पढ़ने वाला व्यक्ति सिलिकॉन वैली में जाकर दुनिया में अपना झंडा आगे बढ़ा रहा है। इसलिए नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो नई पीढ़ी में आगे के नेतृत्व करने के बारे में यदि कल्पना नहीं होगी तो हम न गरीबी की बात कर सकेंगे, न पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर सकेंगे। कितने नौजवानों को मालूम है कि PL40 क्या था, किस देश में यदि गेहूं पैदा हो रहा था, बाहर से हम आयात करके गेहूं ले रहे थे, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने नीतियां बनाई। आज हम सेल्फ सफिशियंट है, हम इतना उत्पादन कर रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देश को भी हम अपना उत्पादन बाद में भेज रहे हैं। हमने ये व्यवस्था की है, लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी क्या है, क्योंकि हमने डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस को मजबूत नहीं किया है। एक संसद मजबूत हो, विधानसभाएं मजबूत हो, लेकिन यदि डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायत राज को मजबूत करने की हमने कल्पना नहीं की तो हम कितनी भी अच्छी नीतियां बना दें, कितना भी प्रोडक्शन कर दें हम, लेकिन उस गरीब आदमी की हम गरीबी को दूर करने के लिए हम उसको भोजन पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। हमने पीडीएस की कल्पना की, क्या पीडीएस इफेक्ट ढंग से काम कर रहा है? यदि पीडीएस ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो कहीं कहीं हमारी गवर्नेंस के अंदर इसमें कमी और खामी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता है, यदि गरीबी को दूर करना है, यदि भूखमरी को दूर करने की कल्पना करनी है तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन को ताकत देने की आवश्यकता है। हमें केंद्र मजबूत नहीं चाहिए, हमें राज्य मजबूत नहीं चाहिए, हमें पंचायत तो नगर पालिकाएं मजबूत चाहिए, जिनकी आवश्यक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आधारभूत आवश्यकता काम करना कर सके। दिल्ली के चुनाव में सिसोदिया जी मुझे अन्यथा न ले, दिल्ली के चुनाव में एक मॉडल बना है कि जो सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल यदि कोई बन सकता है, जिसमें प्राथमिक आदमी आप उनको जो इश्यूज एड्रेस करने हैं वो इश्यूज कौन से हैं। आज एक गांव का गरीब आदमी, शहर में रहने वाला आदमी क्या कल्पना करता है, मेरे गांव की सड़क ठीक बननी चाहिए, मेरे पीने के पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, मेरा रास्ता ठीक होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। कितने लोगों को मालूम है, हमने जब सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की कल्पना की तो 73 और 74 अमेंडमेंट में हमने क्या प्रोविजन किए, क्या 73 और 74 अमेंडमेंट होने के बाद वो पावर हमने दी, क्या पंचायत राज में जो काम करने वाला आदमी वो शेड्यूल जो बनाया वो शेड्यूल उसके पास है, क्या नगर पालिका में काम करने वाले, नगर परिषद में काम करने वाले लोगों को जो 74 में हमने चीजें आइडेंटिफाई वो हमने किए, हमने नहीं किए। जब 73 और 74 अमेंडमेंट करने के बाद पंचायती राज और नगर निगम के नगर परिषद के काम करने वाले आदमियों को यदि एम्प्लॉयमेंट करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, मेन पावर नहीं देंगे, तो आधारभूत चीजों की कल्पना करने का हम कल्पना करते हैं वो कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए मैं नौजवान जिनसे बात कर रहा हूं, जो देश के भावी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए हमारे नेताओं ने नीति बनाई, एक्सटेंशन एजुकेशन को इम्पार्ट किया और इसी एक्सटेंशन एजुकेशन के कारण कृषि के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो सके, ये काम हमने करके बताया है। लेकिन नौजवान पीढ़ी को आज ये PL40 का मालूम नहीं है। इस नौजवान पीढ़ी जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं, जो इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगले 2030 में कौन कौन से इश्यूज आने वाले हैं। क्या इश्यू नहीं आने वाला, डेटा क्या होगा, डेटा के आधार पर क्या काम करेंगे, क्या डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए काम हम कर रहे हैं? आईटी के जमाने के अंतर्गत
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं और देश की गवर्नेंस करने वाले लोग यदि आईटी के संबंध में लोगों को तैयार नहीं करेंगे तो आप गवर्नेंस में कोई भी चीज ला के रख दो, आने वाला हिंदुस्तान का जो नौजवान आदमी है वो गरीब आदमी को लीडरशिप देगा, वो कॉम्पिटेंट आदमी को लीडरशिप नहीं देगा। पहली आवश्यकता इस बात की है कि जो फ्यूचर में नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इस बात को समझे। इस देश में यदि लोगों को हमें एम्पावर करना है, ट्रांसपेरेंसी लागू करनी है, उनको अकाउंटेबल बनाना है, करप्शन को दूर करना है, तो क्या हम उन वनरेबल सेक्शन के लोगों को आईटी को एजुकेट करने का काम कर सकते हैं, जहां प्राथमिक शिक्षा क्वालिटी के लिए अवेलेबल नहीं है, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जहां वनरेबल सेक्शन के लिए एजुकेशन की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां हम नई सदी के अंदर कल्पना कर रहे हैं कि 2030 के अंदर हम गरीबी को दूर करेंगे, भूख को दूर करेंगे। अरे गरीबी और भूख दूर का काम करने का काम हम कर चुके हैं। ये जो भूख मरीजों में नहीं पैदा हो रही है, आईटी के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट करके हम काम करेंगे, उस डेटा को प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? क्या ये भूख नहीं होनी चाहिए? क्या इस भूख के आधार पर नई नीतियों बनाने का काम नहीं होना चाहिए? हम बात करें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की और लोगों को इग्नोरेंट रखें, तब दूसरी देश की समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। मैं आज आंकड़ा देख रहा था और मुझे आंकड़ा देख के बहुत आश्चर्य हुआ। हम स्किल ट्रेनिंग के अंदर हमारी स्थिति क्या बनी हुई है? इस देश के अंदर यूनियन जो मिनिस्ट्री वो कहती है कि देश में 4.69% बच्चे ही जो ट्रेंड है वो एम्प्लॉयबल है, 4.68, और स्थिति क्या बनी हुई है? 52% ऑफ यूनाइटेड स्टेट, 68% ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड 75% ऑफ जर्मनी, 80% ऑफ जापान एंड 96% ऑफ साउथ कोरिया के आदमियों की स्किल एम्प्लॉयबल है, स्किल एम्प्लॉय। और हम आज की स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जहां हमारी एम्प्लॉयबिलिटी 4.65 है, 4.65। ये नौजवान पीढ़ी के नेतृत्व करने वाले लोगों को समझने की आवश्यकता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करें, पर स्किल डेवलपमेंट को इंप्रूव नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो परचेज करने की कैपेसिटी नहीं मिलेगी, और परचेज करने की कैपेसिटी नहीं मिलेगी उनको तो कौन सी भूख दूर होगी और कौन सी गरीबी दूर होगी? सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम इसके व्यवस्था करने का काम करना होगा। इस देश में समझने की आवश्यकता है, इस देश में जैसे अभी आशीष जी ने कहा, हमने 5% एजुकेशन का काम किया, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, पर हमने 70 साल में जो व्यवस्था की है उसमें 1% लोगों के पास कितना पैसा आ गया, और 99% के लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो कैसी डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं? एक विषमता को खड़ा करना चाहते हैं। इस विषमता को कम करने के लिए सबसे आधारभूत आवश्यकता है द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एट द ग्रास रूट लेवल। सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि एक पंचायत का चुनाव सरपंच, एक चुनाव पंचायत का पार्षद, एक नगर पालिका का चेयरमैन जो क्वालिटी ऑफ चीजों को सर्विसेज को रेंडर करेगा, तो उससे देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमने 70 साल का जो मॉडल बनाया है वो सेंट्रलाइज मॉडल है। हम किस तरह की भूख की बात करना चाहते हैं? क्या इस देश में हमें याद नहीं है बुद्ध का पैदा हुआ? क्या इस देश में हमें याद नहीं है गुरु नानक का पैदा हुए? क्या इस देश में हमें याद नहीं है कि गंगा जमुना की संस्कृति हमारे यहाँ पैदा है, हमारे यहाँ हुई है? तो आज गरीबी है विचारों की, इस देश में विचारों की गरीबी को खत्म करने की जरूरत है। विचार जितने ज्यादा होंगे, ये डाइवर्स कंट्री है, उतने ही ज्यादा हम आगे बढ़ने का काम कर सकेंगे। इसलिए भूख होनी चाहिए विचारों की। भूख जब विचारों की होगी तो अपने आप पॉवर्टी कम करने का काम करेगा, कोई अल्टरनेट मॉडल आएगा। क्या हम सोच नहीं सकते कि इस देश में हमने हमारे समय हमें गर्व है इस बात का, हमारी संस्कृति पे गर्व है, हमें इस बात का गर्व है, दुनिया को हमने मार्गदर्शन दिया है, पर आजादी के बाद हमने कोई ऐसा फिलोसोफर पैदा नहीं किया जो दुनिया को बात कर सके? क्या हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है? क्या एक तरह का विचार करके हम सोचने की क्षमता को खत्म करना चाहते हैं? ये विविधता के अंतर्गत अलग अलग सोचने की जो पद्धति है, अलग अलग सोचने को एनकरेज करना है। इस गरीबी को, इस देश में कमजोर, इस गरीबी को खत्म करना जरूरी है। ये गरीबी जिस दिन खत्म हो गई, देश भी आगे बढ़ेगी और दुनिया फिर हमें सलाम करेगी कि दुनिया यह देश यह है जो यह देश करने का काम कर सकता है। गांधी जी का अहिंसा की बात कर रहे हैं, आज हम मेडिटेशन की बात कर लें, दुनिया आज चाहे हम वेजिटेबल जब भोजन की बात कर लें, नॉन वेज भोजन करने की बात कर लें, जो हमारा वे ऑफ लाइफ था उस वे ऑफ लाइफ को दुनिया मानना चाहती है। हमने अपना रेफरेंस बदल दिया, हमारे सर्टिफिकेट चाहिए वेस्ट का, हमने कोशिश नहीं की कि जो हमारा वे ऑफ वर्क, हमारा लाइफ स्टाइल है उसको हम एनहांस करने का काम करें। ये कौन कर सकता है? ये गवर्नेंस करने वाले लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जो अल्टरनेट गवर्नेंस का मॉडल लेकर सत्ता में आना चाहते हैं। यदि अल्टरनेट मॉडल आपके पास ही नहीं तो आप कैसे करोगे? क्या ऐसा कोई गांव है जहां पीने की पानी की व्यवस्था का जोड़ नहीं है? क्या ऐसा कोई गांव है जहां काम करने वाला आर्टिजन नहीं था? क्या मोची नहीं था? क्या कारीगर करने वाला आर्टिजन नहीं था? क्या 70 साल में हमने उनको स्ट्रेंथन करने का काम किया? माइग्रेशन तो पहले भी नहीं होता था, क्यों नहीं होता था? कि सेल्फ सफिशिएंट गांव थे। स्वराज की जो हमने कल्पना की थी गांव सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल होगा, हमने उस सेल्फ गवर्नेंस के मॉडल को कोलैप्स कर दिया।
इसलिए माइग्रेशन ज्यादा होने लग गया। 70 साल बाद अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, रूरल पॉपुलेशन कम बढ़ रही है। अब आईटी के बाद तो नया जमाना आएगा, वापस लोग माइग्रेट करेंगे। अच्छा गांव हो, अच्छा एनवायरमेंट हो, वो रहने की जगह अच्छी है। दिल्ली अच्छी जगह नहीं है, एक सुदूर में रहने वाला नॉर्थ ईस्ट का गाँव जहाँ ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट है वो अच्छी जगह हो सकती है। ये आईटी के माध्यम से संभव है। इसलिए अगले 10 साल में ये माइग्रेशन का ट्रेंड बदलेगा। जब माइग्रेशन का ट्रेंड बदलेगा, आईटी के माध्यम से सुविधा उपलब्ध होगी, तो ये नौजवान पीढ़ी के जो फ्यूचर नेता हैं, उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी इंटरवेंशन करना पड़ेगा। 70 साल बाद आईटी की कल्पना करें, आज कल्पना करिए कि दुनिया में आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस वाकफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। यदि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने वाले प्रभाव को आचिन्हित नहीं किया, उसके लायक हमने काम करने की नहीं सोची, तो हमारी समस्या और जगह खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरा कहने का आप सबसे अनुरोध प्रार्थना है कि डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, द क्वालिटी ऑफ अल्टरनेट गवर्नेंस, ये जो चीजें हैं वो जितनी ज्यादा सत्ता के विकेंद्रीकरण का काम करेगी और सत्ता के विकेंद्रीकरण में उनको जितनी ताकत देगी, उतना ही ज्यादा हम इस देश में भूखमरी विचारों की हो, भूखमरी और किसी फिजिकल चीज की हो, उसको हम कंपेंसेट करने का काम कर सकेंगे। इसलिए मैं उन लोगों में हूं जो मानता है कि आधा गिलास भरा हुआ है। पीएल 480 के बाद इसी गवर्नेंस के माध्यम से हमने एग्रीकल्चर की क्रांति की और आज सेल्फ सफिशिएंट हुए, ये इस देश में डेमोक्रेसी के अंदर ही संभव हो सका है। हमने ये ताकत बनाई कि चंद्रमा में जा सके, हमने ये ताकत बनाई अटलांटिका में जा सके, हमने ये ताकत बनाई है कि दुनिया के ताकतवर देशों के सामने मुकाबला कर सके। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किया। जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विचारों की स्वतंत्रता है, सोच की स्वतंत्रता है, और सोच की स्वतंत्रता के बाद अपने ढंग से सोच बनाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने कर नीति बनाकर देश में सत्ता आने की कल्पना करते हैं, तब जाकर ये देश में न गरीबी रहेगी और न भूखमरी रहेगी। गरीबी न विचारों की होनी चाहिए, न गरीबी खाद्यान्न की होनी चाहिए, न गरीबी और किसी की होनी चाहिए। हमारे देश में विचारों की जितनी समृद्धता होगी, उतनी ही समृद्धता हमारे इस देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसे मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो कहना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिना 73-74 अमेंडमेंट के, बिना डिसेंट्रलाइजेशन कर किए हुए, हम सत्ता के माध्यम से इस देश में तेज गति की जो विकास की कल्पना कर रहे हैं वो हेट्रोजीनियस होगी, स्क्यूड होगी, होमोजीनियस नहीं होगी। इसलिए 100 करोड़ के देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, इन सबको साथ लेकर यदि हम आगे बढ़ने का काम करना है, तेज गति से दुनिया में देश को आगे बढ़ाने का काम है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन जो हमने किया है 73 और 74 अमेंडमेंट में, उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। उसके लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस के देने की आवश्यकता है। और ये जब हम काम कर लेंगे तो तेज गति से हमारे देश में जो हम कल्पना कर रहे हैं 2030 की, उस 2030 में न फिजिकल पॉवर्टी रहेगी, न मेंटल पॉवर्टी रहेगी, और न हम आगे आने वाले समय में कह सकेंगे कि हम आने वाली पीढ़ी के सामने क्या कहना चाहते हैं। हम अगले आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ था, हमने कोशिश की थी काले गिलास को भरने की, हम आधा गिलास ही भर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में तेज गति से कदम उठाएंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, नए लोगों को नेतृत्व करने वाले अच्छे सरपंच, अच्छे वार्ड पंच, अच्छे प्रधान, अध्यय प्रमुख, अध्य नगर निगम के लोग अपनी क्षमताओं का उपयोग लेकर गांव और शहर का विकास करेंगे। तब मैं सोचता हूं कि देश में हम तेज गति से न भूखमरी को तकलीफ में रहेंगे और न गरीबी की तकलीफ में रहेंगे। आइए नौजवान पीढ़ी के लोगों को नेतृत्व करने वाले लोग अपने आप को समर्पित करें एक ऐसे गवर्नेंस के लिए जिस गवर्नेंस में सत्ता के विकेंद्रीकरण करके हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमारा रेफरेंस वेस्ट नहीं होगा, आने वाले समय में रेफरेंस हमारा रेफरेंस हम होंगे, और हमारे रेफरेंस के माध्यम से हम जो दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव को हमारे वे ऑफ लाइफ के साथ इंटीग्रेट करके इस देश को महान बनाने की कल्पना करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास के माध्यम से नया नेतृत्व आगे आएगा और इन चुनौतियों का मुकाबला कर देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।